मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट की खबर है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के इलाके से आने वाले इमरान मसूद ने अब अखिलेश यादव का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। इमरान मसूद विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आए तो उनके आने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत कहा गया। इमरान मसूद मुसलमानों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने को लेकर उन्होंने खूब काम किया है। इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इमरान मसूद ने मायावती के घर के बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों ने एक साथ होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया लेकिन रिजल्ट जीरो है। अगर बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। समाजवादी पार्टी को मजबूत किया तो उससे बीजेपी ही मजबूत होगी। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी के समक्ष आकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने का काम किया। क्या लग रहा है, जो कि विधानसभा तो संपन्न हो चुका है, लोकसभा की तैयारियों में? देखिए, तैयारी आगे की, इसीलिए विधानसभा में जो हमने किया और जो प्रयोग विधानसभा में करने के लिए हम कांग्रेस छोड़ करके आए थे वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में कुछ बेहतर परिणाम नहीं देखने को मिले थे, ऐसे में आप बसपा को बेहतर बता रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वोट पड़ने का काम हुआ, हमने हमारे समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो आया, तो हमें ऐसा वोट चाहिए कि हम साथ मिल करके एक ताकत बनने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरे ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जहां हम लोग ताकत बन सकते हैं, जीत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से निकल कर लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और आप बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता लिया है। अब देखिए, ये रिजल्ट बताएगा 2024 के अंदर और भी निकाय चुनाव के अंदर के क्या होगा क्या नहीं। क्या लगता है आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, बसपा की एक ही नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो बहन जी का नारा है। हम सबकी बात करने वाले लोग हैं, हम किसी एक की बात करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोग बसपा की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं।